क्लास सिक्स्थ लेसन नंबर थ्री लेखनम। संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट ऑफ आवर मदर टंग हिंदी और गुजराती इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी। जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत भाषा है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विच स्क्रिप्ट? देवनागरी स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट ऑफ आवर मदर टंग, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है एंड गुजराती, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट से ही ली हुई है। उसके जो लेटर्स हैं वो भी देवनागरी लिपि से ही लिए हुए हैं। एक्सेप्ट शिरो रेखा, सम अल्फाबेट्स आर रिटन एज दे आर रिटन इन देवनागरी। जैसे देखते हैं हम कि गुजराती में हम ऊपर रेखा नहीं बनाते, हिंदी और संस्कृत में ऊपर शिरो रेखा होती है, जो ऊपर लाइन बनाते हैं ना उसको शिरो रेखा बोलते हैं। सो देयर रिकॉग्नाइजेशन और इंट्रोडक्शन इज इजी, कि जो जो मैं मोस्ट ऑफ हिंदी के जो लेटर हैं, गुजराती के हैं और संस्कृत के मोस्ट ऑफ सेम ही होते हैं, कोई कोई अलग होते हैं, और हिंदी और संस्कृत के तो मोस्ट ऑफ सेम ही होते हैं। और काउस ऑफ सम लेटर्स आर डिफरेंट, कोई कोई जो स्ट्रोक होते हैं उसके लेटर्स के वो चेंज हो जाते हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि कौन सा लेटर कैसे लिखते हैं। ऑलरेडी यू हैव लर्न इट, बट ऑल्सो लेखनम इन संस्कृत यू विल डू नाउ। सो यहाँ पे जो घ और ध में डिफरेंस है, घ ऐसे पूरा लिखा जाता है और ध के ऊपर थोड़ा सा राउंड शेप आता है, वहां पे शिरो रेखा कट होती है। घ के ऊपर शिरो रेखा पूरी जाती है और ध के ऊपर शिरो रेखा कट होती है। छ, ल, च, झ, अं, ज्ञ, ट, ख, ड, द, मोस्ट ऑफ ऑल जो हिंदी में जैसे लिखते हैं वैसे ही होता है। प, श, प, ण, व, ब, क, श। यू कैन सी दैट क्ष का जो वही राउंड शेप है उसके ऊपर भी शिरो रेखा नहीं बनाई जाती। नाउ र, स, श, ख, य, थ, म, भ। थ और भ में भी आगे जो राउंड वाला शेप है वहां पे भी शिरो रेखा नहीं है, उसमें भी हाफ में ही जो स्टैंडिंग लाइन है वहीं पर ही शिरो रेखा होती है। ड, अं, झ, ह। नेक्स्ट इज त, न, घ, त्र, अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ऐ, री। नाउ यू हैव टू राइट हियर ओ, औ, अम। सो ये जो लेटर्स हैं इस तरह से आपको संस्कृत में लिखने हैं। नाउ एक्सरसाइज इज कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑल ऑफ जो वर्ड्स हैं उसको सिर्फ कॉपी करके आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। नकुलह, वृषभ, मंडूकः। वेन एवर यू आर राइटिंग ओनली वन टाइम, एक बार भी आप तो से एंड राइट पहले बोलो, बाद में उसको लिखो, सो दैट उसकी प्रोनाउंसिएशन की आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मंडूकः, स्थालिका, वस्त्रम, औषधम, संचिका, पिंजः, श्रीगालः, वानरः, संख्या, शशकः। कभी तो फॉलोइंग लाइन्स सेम ही आपको लिखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शारदायै नमः,
वीणा पुस्तक धारिणी प्रसन्ना भव सर्वदा। एकं वनम् अस्ति शशकः भीतः भवति श्रीगालः अनुधावति शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति शशकः पलायनं करोति। जो सब वर्ड कैसे लिखे जाते हैं वो आपको चेक करना है, और जो ये कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंस है यू हैव टू राइट इन ऑल्सो टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो इन योर नोटबुक। थैंक यू।